तो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्लास नाइन्थ ICSE क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 4 एक्सपेंशन, जिसमें हम लोगों ने 4A के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था यूजिंग द आइडेंटिटी। कुछ आइडेंटिटीज मैंने लिखवाई थी, उन आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोगों ने 4A के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर सिंप्लीफाई किया था। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग इन आइडेंटिटीज का यूज करके कुछ आगे के क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो अब क्वेश्चन 5th है हमारे पास, इफ a प्लस बी इक्वल टू 7 एंड ab इक्वल टू 10 फाइंड a माइनस बी। यहाँ पर क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन हमारे पास है, a प्लस बी की वैल्यू गिवन है और ab की वैल्यू गिवन है, a माइनस बी यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने जो आइडेंटिटीज लिखा रखी हैं उसमें से देखिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको a प्लस बी a माइनस बी की वैल्यू गिवन है और ab की वैल्यू गिवन है तो हम लोग a प्लस बी की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी। लेकिन अगर हमें क्या है, a प्लस बी की वैल्यू गिवन है और ab की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हम a माइनस बी की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, हमारे पास a प्लस बी गिवन है। गिवन क्या क्या है, गिवन a प्लस बी इक्वल टू 7 एंड a b इक्वल टू 10, ये दो वैल्यू यहाँ पर गिवन है। अब हमको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, हमको फाइंड करना है a माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो आइडेंटिटी क्या हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। ये यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस बी और ab की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं वैल्यू ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 7 एंड ab इक्वल टू, ab कितना पुट करना है, 10 इन इक्वेशन 1। इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब इक्वेशन 1 में a प्लस बी की वैल्यू और ab की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर, a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी की जगह पर कितना रखना है, 7। तो ये क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, 4 और ए बी की वैल्यू कितनी है, 10। तो मल्टीप्लाई 10 कर दिया, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। तो 49 माइनस 40 कितना बचेगा, 9। ये a माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर स्क्वायर यहां से हटेगा तो क्या होगा, अब यहां पर स्क्वायर अगर हटेगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू रूट में 9, ये वैल्यू आ जाएगी। या दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट कर देते हैं, क्या करते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट करते हैं इधर भी स्क्वायर रूट करते हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब 9 का रूट कितना होता है, 9 का रूट कितना होता है, 9 का रूट होता है कितना, इसको 3 × 3 लिख सकते हैं। तो 3 × 3 यानी रूट कितना आ जाएगा, 3। ये आपकी a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास था a प्लस बी की वैल्यू 7 है और ए बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 10। हमें फाइंड क्या करना था, a माइनस बी की वैल्यू। तो हमको क्या पता है, हमें ये आइडेंटिटी यहाँ पर गिवन थी, जिसमें क्या, अगर a माइनस बी और ए बी की वैल्यू गिवन है तो हम a प्लस बी का फॉर्मूला इस तरीके से यूज कर सकते हैं। a प्लस बी और ए बी की वैल्यू अगर गिवन है तो इस तरीके से a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको क्या कैलकुलेट करना है, a माइनस बी। तो a माइनस बी वाली सेकंड जो आइडेंटिटी यहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई कर दी और इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया और इक्वेशन 1 में क्या कर दिया, a प्लस बी और ए बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। तो ए प्लस बी की जगह पर 7 करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 और माइनस का 4 इंटू ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी है, 10। 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 49 में से 40 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर ले, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो कितना आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो ये a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 9 हो जाएगी। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ a माइनस बी इक्वल टू 7 एंड ab इक्वल टू 18 फाइंड a प्लस बी। यहाँ पर क्या है, a माइनस बी की वैल्यू गिवन है और क्या है, ab की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। तो हमको फाइंड क्या करना है, a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है हमारे पास a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी इक्वल टू कितना, 7। a माइनस बी इक्वल टू 7 गिवन है और ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है, ए बी इक्वल टू गिवन है 18। फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है a प्लस बी की
वैल्यू को, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, a माइनस बी गिवेन है, a भी गिवेन है, a प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी हमको क्या करना है, ऐसी आइडेंटिटी यूज करना है जिसमें ये दोनों वैल्यू गिवेन हो, a माइनस बी और ab। तो a माइनस बी और ab गिवेन होगा तो हम इसका यूज कर सकते हैं और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं। तो क्या आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, a माइनस बी का स्क्वायर और प्लस का 4ab। ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो जाएगी और इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन वन। इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन वन। अब क्या करते हैं, ऑन पुटिंग a माइनस बी इक्वल टू 7 एंड ए बी इक्वल टू 18 इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में क्या करें, a माइनस बी की वैल्यू और ए बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी जो ये इक्वेशन वन गिवन है यहाँ पर जो a माइनस बी की वैल्यू है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और जो ए बी की वैल्यू वो पुट कर देते हैं। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा वो तो हमें कैलकुलेट ही करना है, a प्लस बी की वैल्यू, और गिवन क्या है, a माइनस बी की वैल्यू। तो a माइनस बी का मतलब 7 का स्क्वायर और माइनस, और क्या लिखा होगा, प्लस है 4 इंटू 18। तो 4 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 72, 18 फोर जाए कितना होता है 72। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, कैरी कितना हो गया 1। 9 और 2 कितना हो गया 11 हो गया, 11 का 1 कैरी 1 हो गया, और 4 और 7 कितना हो जाएगा, 4 और 7 भी 11 होगा, 11 और कैरी 1 था, 11 और 1 कितना 12 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आगे कितनी आएगी, 121, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। अब यहाँ पर करेंगे क्या, जो a प्लस बी होगा, a प्लस बी होगा वो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 129 हो जाएगा। क्या जाएगा, रूट ऑफ 129। और एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, जब भी किसी वैल्यू का रूट करते हैं तो वैल्यू दो, वहाँ से दो वैल्यू मिलेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, a प्लस बी का ये क्या है, 121 कैसे आएगा, 121 आएगा 11 इंटू 11 से, यानी जो रूट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 11, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, देखो यहाँ पर जब भी कभी रूट करना, रूट से कभी वैल्यू निकलती है तो रूट में कभी भी रूट का सोल्यूशन कितना होता है, प्लस माइनस में वैल्यू लिखी जाएगी। तो यहाँ पर रूट पे जो 21 आया है, रूट में 121, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 11 आएगी। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन में जो वैल्यू आए थे 3, वो भी रूट 9 की वैल्यू प्लस माइनस 3 हो जाएगी। जब भी रूट करेंगे किसी वैल्यू को, प्लस माइनस में रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 11, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 7/2 एंड एक्स वाई इक्वल टू 5/2 फाइंड x माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, कितना है गिवन, क्या क्या है हमारे पास गिवन में, हमारे पास वैल्यू है क्या 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 है, x प्लस वाई इक्वल टू 7/2 और क्या है, एक्स वाई इक्वल टू कितना है 5/2। ये टू वैल्यू जहाँ पर हम लोग के पास गिवन है। अब करना क्या है, हमको x माइनस वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो प्लस x प्लस वाई और एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, तो इसको हम बिल्कुल इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर a की जगह पर, x की जगह पर क्या हो गया, a हो गया, और y की जगह पर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यहाँ पर इस आइडेंटिटी की तरह यहाँ पर बना सकते हैं, क्या बनेगा, हमें माइनस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले क्या क्या कैलकुलेट करना है, x माइनस वाई कैलकुलेट करना है, और क्या कैलकुलेट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगर पहले पार्ट की बात करते हैं, तो अगर x माइनस वाई के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक आइडेंटिटी लिख देते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, x और y, a और b की जगह पर क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 4xy। जैसे यहाँ पर a और b था, यहाँ पर क्या हो गया, एक्स वाई हो जाएगा, आइडेंटिटी सेम यही हो जाएगी। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, हमें x प्लस वाई की वैल्यू गिवेन है, इसको 1 बोल लेते हैं। ऑन पुटिंग x प्लस वाई इक्वल टू 7/2 एंड एक्स वाई इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन
वन, इक्वेशन वन में हमको ये वैल्यू पुट करनी है। तो अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू सेवन अपॉन टू स्क्वायर हो जाएगी, और माइनस फोर एक्स वाई की वैल्यू फाइव बाई टू हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन अपॉन टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर, माइनस यहां पर क्या करें टू से चाहे तो कैंसिल कर ले, नहीं तो फोर फोर टू से कैंसिल कर देते कितना आ जाएगा टू, और यहां कितना आ जाएगा टेन, टू फाइव पे टेन हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा फोर्टी नाइन, एलसीएम कितना आ जाएगा फोर्टी, सॉरी एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर फोर आ जाएगा, और ये आ जाएगा फोर्टी नाइन माइनस फोर टेन या फोर्टी, ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमको, फोर्टी नाइन माइनस फोर्टी यानी नाइन अपॉन फोर, ये वैल्यू किसकी आ गई, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर की। हमको जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई की चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट नाइन अपॉन फोर, क्या आ जाएगा रूट नाइन अपॉन फोर। अभी मैंने क्या बताया था कि जब भी वैल्यू रूट में लिखी होगी तो उसके दो वैल्यूज होंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री, नाइन का रूट कितना हो जाएगा थ्री, और फोर का रूट हो जाएगा टू, और साथ में प्लस माइनस, ये वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से एक्स की दो, एक्स माइनस वाई की दो वैल्यू चाहिए, एक प्लस में और एक माइनस में। ये फर्स्ट सोल्यूशन हो गया। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड सोल्यूशन की, तो सेकंड हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी देखें तो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, यानी ए प्लस बी की वैल्यू और ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरीके से हम सेकंड सोल्यूशन को भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू सेवन अपॉन टू दी हुई है, लेकिन जब हम x माइनस वाई की वैल्यू को यूज करेंगे तो वहां पर दो वैल्यूज है, एक प्लस में है और दूसरी क्या है माइनस में, यानी एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव। तो यहां पर हम दो केसेस में इसको अप्लाई करेंगे। व्हेन सबसे पहले हम आइडेंटिटी रख देते हैं, लिखते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा किसके इक्वल, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा। तो जब यहां पर ये वैल्यू रखेंगे ये इक्वेशन वन हो गई। ठीक है, आप देखिए यहां पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले पुट करेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन अपॉन टू एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना प्लस में थ्री अपॉन टू इन ये सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन इसको हमने सेकेंड इक्वेशन बनाया। यहाँ पर एक बार हम पॉजिटिव वैल्यू को लेकर के सॉल्व करेंगे और एक बार नेगेटिव वैल्यू को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी सेवन अपॉन टू, ये हो गया, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी रखेंगे थ्री अपॉन टू। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं कितनी वैल्यू आ जाएगी, सेवन थ्री जो हो जाएगा ट्वेंटी वन और टू टू जो हो जाएगा फोर। तो जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू इस केस में कितनी आ जाएगी, ट्वेंटी वन अपॉन फोर। वहीं पर अगर क्या करें, पुट कर देते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन अपॉन टू एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना, अब नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा माइनस थ्री अपॉन टू इन इक्वेशन टू। क्या मिलेगा यहाँ से, यहाँ से आ जाएगा जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वेशन टू, तो ये है ना इक्वेशन टू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई जो एक्स प्लस वाई है तो उसकी जगह पर सेवन अपॉन टू पुट करना है, कितना पुट करना है सेवन अपॉन टू, और एक्स माइनस वाई की जगह पर क्या पुट करना है, एक्स माइनस वाई की जगह पर पुट करना है माइनस का थ्री अपॉन टू। क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, सॉरी स्क्वायर नहीं है ये, ठीक। तो सेवन थ्री जो कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन और प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस का ट्वेंटी वन अपॉन टू टू जा फोर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अगर एक्स माइनस वाई की वैल्यू नेगेटिव में पुट करेंगे और एक प्लस में वैल्यू आ जाएगी जब एक्स प्लस वाई की वैल्यू पॉजिटिव में पुट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम दो सोल्यूशन मिलेंगे, एक मिलेगा ट्वेंटी वन अपॉन फोर और दूसरा क्या मिलेगा माइनस का ट्वेंटी वन अपॉन फोर। ठीक है,
तो ये दोनों सोल्यूशन हो जाएंगे। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इफ ए माइनस बी इक्वल टू 0.9 एंड ए बी इक्वल टू 0.36, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है जैसे पिछली बार हम लोगों ने किया, लास्ट क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, बिल्कुल उसी तरीके से है। वहां पर हम लोगों को ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी थी और ए प्लस बी की वैल्यू गिवन थी, और यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है और ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। वो एक्स और वाई के फॉर्म में था कि ए बी के फॉर्म में था, यहाँ पर भी हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं करना क्या होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हमको गिवन क्या क्या है। गिवन है हमारे पास ए माइनस बी इक्वल टू कितना है यहाँ पर 0.9, और क्या गिवन है, ए बी गिवन है। तो ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.36। ए माइनस बी की वैल्यू 0.9 है और ए बी की वैल्यू है 0.36। अब बात करते हैं हमको फाइंड क्या करना है। तो फर्स्ट केस में हमको फाइंड करना है ए प्लस बी की वैल्यू, और सेकेंड केस में हम लोग को फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, फर्स्ट केस सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर क्या करें, फर्स्ट केस को सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस बी हमको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, ए प्लस बी हमको कैलकुलेट करना है। तो एक आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी इक्वल टू कितना, जब हमको ए माइनस बी गिवन हो और ए बी गिवन हो, तो ए प्लस बी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से। अगर हमको a माइनस बी और ab की वैल्यू गिवन होगी तो हम a प्लस बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस आइडेंटिटी से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का प्लस का 4ab, सेम आइडेंटिटी लिख देंगे और इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन 1। आप क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं a माइनस बी की और ab की वैल्यू। तो पुट a प्लस बी इक्वल टू कितना, कितना गिवन है 0.9 एंड ए बी इक्वल टू कितना गिवन है 0.36 इन इक्वेशन वन में ए प्लस बी की वैल्यू 0.9 पुट कर देते हैं और ए बी की वैल्यू पुट कर देते हैं 0.36, कितना आ जाएगा यहाँ से। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0.9। तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर सॉरी यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, a माइनस बी की वैल्यू। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0.9, और ऊपर क्या है, स्क्वायर है प्लस 4ab, और ab की वैल्यू कितनी है, ab की वैल्यू 0.36, कितना है 0.36, ये वैल्यू आ जाएगी। तो 0.9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.9 का स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 0.9 × 0.9 कितना आ जाएगा, 99 81, और पॉइंट क्या हो जाएगा, टू प्लेसेस पर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.81, कितना हो जाएगा 0.81। अभी 0.9 है, इसको 0.9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 81 हो जाएगा, जो पॉइंट आएगा वो क्या हो जाएगा, टू प्लेसेस पर हो जाएगा, इस तरीके से। सेम केस यहाँ पर भी करते हैं, प्लस 4 6 कितना हो जाएगा 24, 4 6 कितना हो जाएगा 24, और 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो ये आ जाएगा, पॉइंट टू प्लेसेस पर लगेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं, कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 और 4 2 मतलब 12 हो जाएगा, 12 पर 2 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 है और 12 से 1 कह दिया है तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना 2, और 0.2 प्लेस होते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया 2.25। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो जो a प्लस बी की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, रूट में 2.25, कितना हो जाएगा, रूट में 2.25। अब ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो दो तरीके से वैल्यू यहाँ से मिलेगी, ए प्लस बी की यहाँ दो वैल्यू आएंगी। ये क्या, अगर पॉइंट ना हटा दे यहाँ पर कितना आ जाएगा, अपॉन में 100, ठीक। अगर यहाँ से पॉइंट हटा दे अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और ये 225 हो जाएगा। तो 225 का स्क्वायर क्या होता है, रूट क्या होता है, ये 15 × 15 है, कितना है 15 × 15, तो यानी ये कितना आ जाएगा, 15/10 आएगा, क्योंकि अपॉन से पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा, 100 का रूट कितना, 10 से 15 को डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 1.5।
ये आ गया। और अभी मैंने बताया था कि जब भी रूट से वैल्यू बाहर आएगी क्या हो जाएगा, उसकी दो वैल्यू दूंगी, एक प्लस में और एक माइनस में। तो आपकी जो यहाँ पर आपकी जो ए प्लस बी की वैल्यू होगी वो दो वैल्यू आई है, एक प्लस में 1.5, एक वैल्यू हो जाएगी माइनस में 1.5। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में को क्या कैलकुलेट करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कर सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये क्या होगी, सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन होगी। आप क्या करते हैं, यहां पर पुट करते हैं ए प्लस बी इक्वल टू कितना 1.5, अभी प्लस में वैल्यू यहां पर ले रहे हैं, और ए माइनस बी की वैल्यू, एंड ए माइनस बी इक्वल टू कितना पुट कर देना है 0.9, कितना पुट करना है 0.9 इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन में ये पुट कर देते हैं, देखते हैं कितना आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0.9, ये आ जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 1.35, कितना आएगा 1.35। क्यों, पॉइंट दोनों के हटा दे तो 59 कितना हो जाएगा 135, और पॉइंट का टू प्लेसेस पे लगाना है तो टू प्लेसेस पे लगा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.5। ठीक, अब सेम क्या करते हैं, ये आपका पहली वैल्यू आ गई जब हमने एक वैल्यू पॉजिटिव रखी है। तो दूसरे केस में क्या करेंगे, दूसरा क्या करना है, अब हमको क्या करना है, पुट करना है, पुट ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है, एक पॉजिटिव पुट कर दी, दूसरी वैल्यू क्या पुट करनी थी नेगेटिव में, तो माइनस का 1.5 एंड ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी 0.9 इन इक्वेशन टू, इसमें इक्वेशन टू में पुट करना था, ये इक्वेशन टू है, इक्वेशन टू में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू, तो ए प्लस बी है माइनस का 1.5 इन टू, और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0.9, ये वैल्यू आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा माइनस का 1.5 इंटू 0.9। सेम केस वही है, पॉइंट हटाएंगे 15 इंटू 9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 135, कितना 135, लेकिन पॉइंट कितने टू केसेस पर है, पी आ जाएगा और साथ में माइनस साइन। तो जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू इस केस में आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस का 135, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जब ए माइनस ए प्लस बी की वैल्यू नेगेटिव में रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो मेरे क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।